तो भी मैं गाड़ी को एक जगह से उठा के पार्किंग में लगाने लगा था, तो मेरे सामने बिल्कुल वो सामने वाली गाड़ी खड़ी थी। तो मुझे एक दिमाग में आई कि आपसे शेयर करनी चाहिए ये बात, तो इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, आपको बताऊंगा वो बात वो क्या है जो मेरे दिमाग में ऐसा है, जो मुझे लगा कि आपको वीडियो बना के बताना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो जो है पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, दिखाते हैं आपको। दोस्तों आ गया मैं गाड़ी के अंदर। आज एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल शर्मा जी ऑटो डील पे। तो अगर आप पहली बार हैं हमारे YouTube चैनल पे, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए शर्मा जी ऑटो डील को, क्योंकि यहाँ पे हम आपको ऐसे ही ट्रक रिलेटेड वीडियो दिखाते रहते हैं। और जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन होती है मुझे लगता है आपके लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, एटलीस्ट मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं उनके साथ शेयर करनी चाहिए। तो ये वीडियो मुझे बहुत छोटा सा वीडियो है, मैं उम्मीद करता हूँ सभी को ये पसंद आएगा। तो पूरा देखना दोस्तों वीडियो, एक ऐसी टिप इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही काम आएगी। अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं, आपको काफ़ी सालों से गाड़ी चला रहे हैं, फिर भी ये अगर वीडियो देखोगे तो शायद आपके कहीं ना कहीं ये वीडियो जो है वो काम आ सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम लोग क्या करते हैं, आप भी कई लोग ऐसे करते होंगे कि जब हम गाड़ी में एंटर करते हैं हमें गाड़ी को स्टार्ट करना होता है। अभी देखो मेरे सामने बिल्कुल एक गाड़ी खड़ी है, ये देखो मेरे सामने एक और गाड़ी खड़ी है। तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है, हम नॉर्मली जब गाड़ी को पार्क करते हैं तो हम ना ऐसे इस गाड़ी को ऐसे गियर में डाल के ना, ये न्यूट्रल हम गियर में डाल देते हैं ऐसे, इसको हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी को हम निकल जाते हैं। तो जब हमने दोबारा आके गाड़ी को उठाना होता है हम क्या करते हैं, क्लच को दबा के गाड़ी को यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। कई बार तो हमें इतना भरोसा होता है हमारे क्लच के ऊपर कि हम यहाँ से न्यूट्रल करते ही नहीं है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसे क्लच को इस्तेमाल करते हो, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करता हूं, तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। अगर आप दोस्तों क्लच का इस्तेमाल ऐसे नहीं करते गाड़ी स्टार्ट करने से पहले, तो मैं आपको बता दूं कि आप जरूर क्लच का इस्तेमाल करें, क्योंकि दोस्तों कई बार हमें क्या करते हैं, हम ऐसे गाड़ी को न्यूट्रल कर लेते हैं, क्लच अगर नहीं दबाते गाड़ी को न्यूट्रल कर लेते हैं, गाड़ी को एकदम से यहाँ पे स्टार्ट करने लग जाते हैं। तो ऐसे में दिक्कत क्या होती है दोस्तों, हमें पता होता है कि हमने गाड़ी को न्यूट्रल कर दिया, लेकिन कई बार ऐसा होता है गाड़ी न्यूट्रल नहीं होती, हमें लगता है कि गाड़ी न्यूट्रल हो चुकी है। ऐसे में क्या होगा दोस्तों, अगर आप सेल्फ लगाओगे तो सीधी गाड़ी का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सामने वाली गाड़ी से टकरा दे। तो अपनी सेफ्टी के लिए ये छोटा सा टिप मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोगों के काम आएगा, कि आप क्लच को जरूर दबा लें। यहाँ से न्यूट्रल तो आप करते ही हो, आप साथ में क्लच जरूर दबा के स्टार्ट करें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अभी दिखाता हूँ आपको गाड़ी स्टार्ट करके, मैंने गाड़ी कर दी स्टार्ट, आप देख सकते हैं सामने गाड़ी खड़ी है मेरे, अभी मुझे कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज अगर मैं गियर में क्लच ना दबाता गाड़ी को न्यूट्रल कर लेता, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है, हमें नहीं पता दोस्तों, मशीनरी है, कई बार कोई भी दिक्कत आ सकती है, ऐसे में आपका नुकसान भी हो सकता है और सामने वाली गाड़ी का भी हो सकता है। तो ये थी दोस्तों मेरी छोटी सी वीडियो, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा यूडिल, अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको ऐसे ही ट्रक रिलेटेड वीडियोज़ दिखाते रहते हैं। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, आप देखते रहिए शर्मा जी ऑटो डील।